नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज की ताजा खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्य और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बता दें आपको, जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर के बड़गांव में रात भर आतंकियों से मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीनों आतंकियों को मार गिराया। बीती रात खुफिया सूचना मिलने के बाद सीआरपीएफ, सेना और एसओजी के जवानों ने इन आतंकियों की घेराबंदी की थी और कई घंटों की मुठभेड़ के बाद इन्हें मार गिराया गया है। इस वक्त हम रेडबुक में है जहां पे ये मुठभेड़ लगातार जारी थी, रात भर फायरिंग हो रही थी और ये वो एनकाउंटर का स्पॉट है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पे लोग भी इर्द गिर्द मौजूद हैं और इस मकान में आग लगा दी गई और फायरिंग लगातार जारी थी। तीन मिलिटेंट मारे गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कल तकरीबन 5 से 6 बजे जो है शाम को कॉर्डन हुआ था पूरे इलाके में। खबर मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेज को कि यहाँ पे जो है मिलिटेंट छुपे हुए हैं और उसके फौरन बाद यहाँ पे कॉर्डन किया एसओजी, सीआरपीएफ और आर्मी ने, जो यहाँ पे 2 RR की यूनिट्स हैं उन्होंने यहाँ पे फिर मुठभेड़ शुरू की मिलिटेंट्स के साथ। तीन मिलिटेंट मारे गए और यहाँ पे जो है मुठभेड़ लगातार जारी थी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हालत है मकान की, इसी मकान में तीन मिलिटेंट छिपे हुए थे। ये एनकाउंटर जो है तकरीबन 8:30 के करीब शुरू हुआ और रात भर ये मुठभेड़ जारी रही। चूंकि यहाँ पे रॉकेट्स का भी इस्तेमाल किया गया, UBGLs का इस्तेमाल किया गया, फायरिंग लगातार जारी रही और तीन मिलिटेंट मारे गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेडबुक का एरिया है। अभी यहाँ पे लोग जो है आए हैं, मकान जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है। चूंकि ये जो छत थी इसकी लकड़ी की थी तो इसमें फौरन आग लग गई और देखते ही देखते ये जो है राख में तब्दील हो गया ये पूरा मकान। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी अब यहाँ पे आए हैं और ये मकान जो है यहाँ पे पूरी तरह से तबाह हुआ है और जो अभी पता चल रहा है कि तीन मिलिटेंट अभी मारे गए हैं और अभी उनकी शिनाख्त हो रही है। क्योंकि ये एनकाउंटर जो है, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, तकरीबन 8:30 बजे शाम शुरू हुआ और उसके बाद रात भर फायरिंग हो रही थी। यहाँ लोकल से हमने बात की, तकरीबन 4:30 बजे तक सुबह फायरिंग का सिलसिला लगातार जारी था और अभी ये मकान पूरी तरह से तबाह हुआ और तीनों मिलिटेंट जो है पुलिस ने उनको अपनी तहवील में ले लिया, उनकी शिनाख्त की जा रही है। कैमरामैन मुश्ताकवार के साथ रिफत अब्दुल्ला, News18 India, रेडबुक, मागाम। रिफत, जो मारे गए आतंकी हैं उनकी शिनाख्त हो पाई अभी तक? जी बिल्कुल, तीनों की शिनाख्त हुई है। एक का नाम सजाद है, दूसरे का नाम जावेद है और तीसरे का नाम आकिब है। एक दो श्रीनगर के हैं, हैदरपुरा एरिया का बताया जा रहा है एक है, एक बड़गाम एरिया का है और एक डाउनटाउन श्रीनगर का है। जो यहाँ पे जावेद है वो डाउनटाउन श्रीनगर का, सजाद जो है वो डाउनटाउन श्रीनगर में रहता है। तो ऐसे में तीन जो है ये तीनों मारे गए और जैसा मैंने पहले भी कहा, न्यूज 18 इंडिया की टीम जो है वहाँ स्पॉट पे पहुंची और एक्सक्लूसिव विजुअल जो है वो अपने दर्शकों तक पहुंचाएं और वहाँ जो हालत है एनकाउंटर के बाद वो सबको दिखाई। और जैसा आप देख सकते हैं कि लगातार मुठभेड़ में मकान हर तरफ से जो है अब खस्ता हो चुका है और मकान में फिर आग लग गई और तीनों मिलिटेंट मारे गए हैं। तीनों मिलिटेंट जो है अभी पुलिस की तहवील में थे, अभी उनको अपने घर वालों के हवाले किया जाएगा। शुक्रिया रिफत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बल के जवान गाड़ियों की पड़ताल करते दिखे। इस बीच आतंकी हमले के बाद भी श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं है। वहीं सरकार ने भी अमरनाथ यात्रा जारी रखने का फैसला लिया है। ऐसे में यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले हर पड़ाव पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। यात्रा की सुरक्षा बढ़ा दी गई जिसके बाद जगह जगह जवान गाड़ियों की चेकिंग करते दिखे। वहीं यात्रा के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं के उत्साह में भी कोई कमी नहीं आई और लोग दुगने जोश के साथ यात्रा में हिस्सा लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आपसी सामाजिक सौहार्द बनाए रखें और इसी तरह से हम अपनी एकता बताकर इस घटना को, इस दुखद घटना को हम कंडेम कर सकते हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा के रास्ते में दुकान चलाने वाले कश्मीरी भी आतंकी हमले से बेहद नाराज दिखे। हम यही कहना चाहेंगे, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जो कल घटना हुई है उसके लिए बहुत ही शर्मनाक। जम्मू कश्मीर सरकार और गृह मंत्रालय के बीच बातचीत के बाद अमरनाथ यात्रा जारी रखने का फैसला लिया गया था जिसके बाद सुरक्षा में और ज्यादा इजाफा कर दिया गया। आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें वो आतंकी हमले में घायल हुए लोगों से मिलने पहुंची दिख रही और अस्पताल में सभी घायलों के बेड तक जाकर लोगों से बातचीत की। इस दौरान महबूबा मुफ्ती एक परिवार के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। हम आपसे माफी मांगते हैं, क्या कर सकते हैं, आप अच्छा लोग वहां से आए हैं हमारे लिए यहां यात्रा करने के लिए और हमने क्या किया आपके साथ। वहीं महबूबा मुफ्ती लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर हालात का जायजा लेने में जुटी रहीं, साथ ही सुरक्षा को बढ़ाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। तो दिल्ली में भी हाई लेवल बैठकों का दौर जारी रहा।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा बढ़ाने और आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाने को लेकर चर्चा की गई। हालांकि सरकार की ओर से चल रही कवायद के बीच इस हमले पर सियासत भी गर्मा गई। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से जवाब मांगा। कांग्रेस कड़े शब्दों में निंदा करती है, इतिहास में दूसरी बार ऐसा हुआ, प्रधानमंत्री आगे बढ़कर वक्तव्य दें। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को ऐसे माहौल में सियासत न करने की नसीहत दी। सुरक्षा एजेंसियां और जो उपयुक्त एजेंसियां हैं, एप्रोप्रिएट एजेंसीज हैं, वो जांच करती हैं। हालांकि विपक्षी दल लगातार सुरक्षा में चूक को लेकर सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे सवाल सिर्फ विपक्षी ही नहीं बल्कि बीजेपी के अपने भी उठा रहे हैं। इस आतंकी हमले को लेकर केंद्र सरकार की सहयोगी शिवसेना ने निशाना साधा और इस बहाने केंद्र सरकार के दावों पर सवाल उठाए। जब नोटबंदी हुई थी तो सरकार ने कहा था आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं हुआ। तो वहीं विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया ने भी इस हमले को केंद्र सरकार की नाकामी करार दिया। यह आतंकवाद को जम्मू कश्मीर में खत्म करने की सरकार की फेलियर का सर्टिफिकेट है। तोगड़िया ने भारत सरकार की कश्मीर को लेकर नीति की भी आलोचना की। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और केंद्र सरकार से इस हमले की जवाबदेही तय करने की मांग की। साथ ही कश्मीर में बने माहौल के लिए बीजेपी के साथ पीडीपी को भी निशाने पर लिया। बीजेपी पीडीपी जब से गवर्नमेंट बनी, ना तो वहां पर कोई मैनेजमेंट है, ना तो वहां पर कोई गवर्नेंस है। ओवैसी ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर सुरक्षा में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। तो जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी तेज हो गई। खुद बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने यह मांग सबसे पहले उठा दी। तो आरएसएस प्रचारक एमजी वैद्य ने पूरे कश्मीर को हिंदुओं के लिए असुरक्षित करार दे दिया। कश्मीर वैली में कश्मीरी पंडित नहीं रह सके, वहां पर हिंदू का जीवन खतरे में रहना, इसमें कोई आश्चर्य नहीं। वहीं आरएसएस के बयान पर जम्मू कश्मीर की पैंथर्स पार्टी ने पलटवार किया। मैं वैद्य साहब से बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं और मेरे ख्याल में आरएसएस के लोग भी मुतफिक नहीं होंगे। पैंथर्स पार्टी समेत कश्मीर के कई नेताओं ने सूबे में हालात ठीक करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाने की वकालत की। हालांकि जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने एक सुर से हमले की निंदा की और इसे कश्मीर की परंपरा और मूल्यों के खिलाफ करार दिया। इस कड़ी में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एकजुट होने की अपील की। प्लीज कम इन लार्ज नंबर्स सो दैट यू कैन डिफीट दीज एलिमेंट्स हु वांट टू डिस्ट्रॉय आवर नेशन। तो कश्मीरी आवाम और कश्मीर के सियासी दलों के रुख की तारीफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी की। मैं बार बार कश्मीर की जनता को सैल्यूट करना चाहता हूँ, समाज के सभी सेक्शन ने उसे कंडम किया है। आतंकी हमले के खिलाफ कश्मीर के कई संगठनों ने भी आवाज उठाई और इसकी निंदा की।